नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और खबरों में सबसे पहले बात जामताड़ा की करेंगे, जहां बराकर नदी में नाव पलटने की घटना का चौथा दिन है। एनडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर नदी से महिला का शव मिला है, 8 बाइक और डूबी नाव बरामद कर ली गई है। लगातार हो रही देरी से ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ की गई है, पथराव भी हुआ है। देखिए, आज ये चौथा दिन है, नाव डूबी थी और अभी भी 13 लोग लापता हैं। हालांकि 8 बाइक बरामद कर ली गई है, जो नाव डूबी थी वो नाव मिल गई है, लेकिन 13 लापता लोगों के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच देरी के कारण वहां पर लोगों में गुस्सा देखने को मिला है। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की, हंगामा किया है, पथराव किया है। एनडीआरएफ की टीम का सर्च अभियान जारी है। नदी से महिला का शव मिला है, 8 बाइक और डूबी हुई नाव भी बरामद कर ली गई है। और इस बीच जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने वीरगांव श्यामपुर में वीर बेदिया पुल के पास हुई नौका हादसे में पीड़ित परिवारों से मिलकर संवेदना जताई और हर तरह की सहायता के लिए आश्वस्त किया। इरफान अंसारी ने जिला प्रशासन एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। प्रयास किया जा रहा है, नई रांची की एनडीआरएफ टीम पहुंच गई है। 2 बोट पहले से कार्यरत था, अभी 4 बोट लगाया जा रहा है और पूरा उस एरिया को खंगाला जाएगा। संभवतः बहुत जल्दी ही बड़ी रिकवर हो जाएगा। इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ दीप नारायण। ये देखिए, अब लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। वहां पर एक महिला की लाश मिली, डूबी नाव मिल चुकी है, लेकिन अब भी 13 लोग लापता हैं, कोई सुराग उनके बारे में नहीं मिल रहा है और अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गुस्सा लाजमी है क्योंकि अब 4 दिन हो चुके हैं और अब तक अगर एनडीआरएफ के रेस्क्यू की बात कर ले तो सफलता के रूप में डूबी हुई नाव, मोटरसाइकिल, कुछ सामान और एक महिला का शव बरामद हुआ है। अब ऐसे में ये सवाल भी उठने लगा है कि इतनी बड़ी टीम रेस्क्यू के लिए लगी है लेकिन सफलता के रूप में महज एक शव और इतने ही नाव और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, बाकी जो लापता हैं 13 शव लगभग, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा भी बढ़ गया है। कल जो जामताड़ा के विधायक हैं इरफान अंसारी, वो भी पहुंचे थे, उन्हें भी गुस्से का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने आरोप बीजेपी पर लगा दिया है कि वो इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है और हर हालत में इन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है और इस हर हालत में इस पुल को बनाया जाएगा। लेकिन अब ग्रामीणों का सब्र टूट चुका है और अब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही वो सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जब विधायक इरफान अंसारी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री से बात की है और प्रत्येक मुआवजा राशि जो है प्रत्येक व्यक्ति को वो 4 लाख तय की गई है और बहुत जल्द इनको मुआवजा राशि मिलेगी और इसको बढ़ाने का भी ये प्रयास करेंगे। लेकिन ग्रामीणों का साफ कहना है कि झारखंड के पास संसाधन नहीं है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और इसके बाद रेस्क्यू नहीं किया जा सका। दूसरी ओर पूरी तरह से इस पुल को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है कि राजनीतिक वापो की स्थिति में इस पुल को पिछले 12 साल से ऐसे ही छोड़ दिया गया, ना तो कभी उद्घाटन हुआ और इसके 3 पाए भी गिर चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये एक लापरवाही का बड़ा नतीजा है जो कि 13-14 मौतों के रूप में सामने आई है और अब कोई भी व्यक्ति जब उस घटनास्थल पर जाते हैं तो उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है और जिस तरह से अब इस पुल को लेकर राजनीति शुरू हुई है, ऐसे में
अब उस जगह पर रेस्क्यू में भी थोड़ी दिक्कत आती है, हालांकि लगातार गोताखोर की टीम नदी में है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए, लेकिन सफलता के रूप में अगर कुल अपडेट की बात कर लें तो एक महिला का शव बरामद किया गया है, कुछ कपड़े हैं, चप्पल है और मोटरसाइकिल एक बरामद किया गया है और उसके अलावा एक नाव को भी कल बरामद किया गया था। लेकिन इसके बाद अपडेट की बात कर लें तो अभी तक और कोई भी सफलता हाथ एनडीआरएफ की टीम को नहीं मिली है। जी तो रांची की जो प्रोफेशनल टीम गई है दीप, वहां पर क्या अब अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है? रांची की टीम वहां पर ये ऑपरेशन चला रही है अभी भी? बिल्कुल, देखिए जब रांची की टीम नहीं पहुंची थी तो लोगों ने आस तोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद रांची की टीम जब एनडीआरएफ की पहुंची और सफलता के रूप में अब कह लें कि एक शव और कुछ सामान बरामद किए गए, नाव को भी निकाल लिया गया और मोटरसाइकिल को भी निकाला गया है, तो उम्मीद एक थोड़ी सी बची हुई थी। लेकिन उसके बाद लगातार ऑपरेशन जारी रहने के बावजूद भी कोई सफलता हाथ नहीं मिली है, लिहाजा ये भी उम्मीद है कि प्रोफेशनल गोताखोर उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये हादसा जहां पर हुआ अब वो चार दिन हो चुके हैं, ऐसे में अब जो भी शव है या फिर बालू के अंदर दफन हो चुके हैं या फिर आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ की टीम जो है उसी पॉइंट जो घटना स्थल है उस जगह को पॉइंट आउट कर आसपास के इलाकों में ये तलाशी कर रही है। वक्त काफी गुजर चुका दीप, वक्त काफी गुजर चुका, आज देखिए चौथा दिन है और अब तक काफी देर हो चुकी है, तो लोग अब उम्मीद छोड़ चुके हैं, निराश हो रहे हैं और वो निराशा वो नाउम्मीदी अब उनके गुस्से में झलक रही है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए ऑपरेशन अभी भी चल रहा है एनडीआरएफ का, एक महिला का शव बरामद किया गया है, 8 बाइक भी निकाले गए हैं और जो नाव डूबी थी वो नाव भी बरामद कर ली गई है, लेकिन अब भी 13 लोग जो उस नाव पर सवार थे उनका कोई अता पता नहीं चल सका है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।